ये हम लोगों के आसपास में राइट और लेफ्ट दोनों साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेक पड़ी है। अभी हम लोग आए थे यहाँ पे पंछी पेठा शॉप में, क्योंकि आगरा है और पेठा लेके ना गए ना तो पाप है। हम लोगों के पास होटल में डेस्टिनेशन नहीं है कि हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, तो कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा कभी कभी होता रहता है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, स्पीड रन है, जितना ट्राई करेंगे कवर हो पाएगा। वैसे 443 किलोमीटर्स के लिए हम लोगों को 8 आवर्स दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो लेट्स सी, आगे जाके पता लगेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड सागर। लेट्स सी हम लोग कहाँ पर रुकते हैं। यहाँ से वैसे तो रोड है आगे जाने का, अभी मेन रोड ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। बट अमेजिंग होटल, मज़ा आ गया रुक के, और ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ से हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, बीच में आगरा का ताजमहल पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली आगरा का ही ताजमहल है और कहीं है भी नहीं। तो बीच में ताजमहल पड़ेगा, बट प्रॉब्लम ये हो गया है कि फ्राइडे को बंद रहता है, बट क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो वाले ने लिखा है, बुरी नज़र वाले तेरी सेवा में जूती फ्री। क्या बात है, ये हुई बात, बहुत सही। अरे 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 यार, ये यूपी एंटर करते ही यहाँ पे इतना गाय आया था ना बीच में, एक्चुअली गाय नहीं है, ये सांड है, और सांड को ऐसे छोड़ दिया जाता है, गाय को पाल लिया जाता है, ये चीज़ गलत है। अभी हम लोग आए थे यहाँ पे पंछी पेठा शॉप में, क्योंकि आगरा है और पेठा लेके ना गए ना तो पाप है। तो सब ने तीन तीन चाचा डब्बे लिए हैं, और मैंने भी तीन लिए अलग अलग टाइप के। वो भाई बैठे हुए शॉप पे, उनका शॉप है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, और देन उसके बाद में थोड़ा सा कहीं पे रुकेंगे जहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग होटल से बिना ब्रेकफास्ट किए ही निकल गए। चलो जी, बाय बाय टू आगरा, अच्छा लगा आके। हैं, तेज़ हो रही है, चलो चलो आगे बढ़ाओ, आगे आगे क्या पता ढाबा डूबा मिल जाए ना, वहीं रुक जाएंगे। चलो रेन कवर्स पहन लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं। अरे यार, इनको बोलो कोई साइड हो जाए, थोड़ा सा कम है, आगे वाली गाड़ियाँ भीग के आ रही हैं, हो तो रही है तेज़, इतना तो नॉर्मल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंस ऑफ कर देते हैं, जिससे आप लोगों को आगरा का एक्सपीरियंस मिलता रहे। आगरा एक्चुअली हम लोग को क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लग गया, 9 बजे निकले थे, 10:30 हो चुके हैं। पेठा भी हम लोग दबके खाए हैं, मतलब दबके क्या, थोड़ा बहुत हर चीज़ टेस्ट कर लिया, जैसे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात हो जाती है। और यहाँ पे है दिल्ली दरबार ढाबा, यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबा हैं, बट ये वेज है नॉन वेज है पता नहीं। लोग अभी होने लगी थी बारिश, और हम लोग रुक गए थोड़ी देर, तो बारिश बंद होगी एज यूजुअल, डेली का है अपना, कुछ कर नहीं सकते, बट क्या करें, संकोच हो जाता है, आशंका में आ जाते हैं कि गीले हो जाएंगे पूरा, तो फिर इसलिए पहन लेते हैं। तो अभी ऊपर वाला पहना है बस, क्योंकि आगे जो ट्रक्स चल रहे हैं उससे धूल मिट्टी आएगी या जो भी कीचड़ वीचड़ आएगा, तो एटलीस्ट जो राइडिंग जैकेट है वो बच जाएगा। ये देखो सब अपना रेनिंग जैकेट पहन के हैं, टाइट हो गया ना एक्चुअली में, बहुत गर्मी लगती है। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ बाइक राइड स्ट्रगल्स, क्या कर सकते हैं। ये देखो अभी बाइक राइड टफ लाइफ। अभी ये यहाँ पे पेठे रखे हुए हैं, तो बैग पूरा ऐसे ऐसे हो गया मेरा। तो ये अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चंबल ब्रिज के आसपास, मतलब अभी हम लोग चल रहे हैं चंबल ब्रिज पे, और ये आसपास पूरा चंबल घाटी वाला एरिया है। अभी यहाँ से जो ग्वालियर है, ग्वालियर दिखा रहा है अराउंड 68 किलोमीटर्स। बाकी बारिश होने की वजह से थोड़ा सा ये हो गया है कि एटलीस्ट जो मौसम है वो ठंडा हो गया है। तो अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं ग्वालियर, और सोचा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से, अरे तो यहाँ पे है कोई सा होटल हेमंत ढाबा एंड रेस्टोरेंट, और यहाँ पे खा लेते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। हैं, हाँ ना, ऐसे करके मजनू भाई की तरह टेडे 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 टेडे।
चश्मा पहन रहे थे वो गॉगल्स, वैच बीच में से टूट गया। टूट गया। तो गाइस अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, मतलब दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, रोटी अभी आ रही है, यहाँ पे बन रही है, खाएंगे उसके बाद में चलेंगे। ये सब रेन गियर सब फिका हुआ है, बाइक्स अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। ट्राई करेंगे आज नरसिंहपुर खींचने का, बट लेट्स सी क्या होता है। तो अभी हम लोग यहाँ से कर चुके हैं ब्रेकफास्ट और यहाँ पे अच्छा था खाना, छोटा ढाबा अगर कहीं मिलता है वहाँ पे खाओ अच्छा लगता है, इवन खाना भी अच्छा रहता है। अभी थोड़ी देर ग्लव्स नहीं पहनेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब बंदा सा लग रहा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से जो राइडिंग जैकेट है वो तो पहने ही हुए हैं, उसके ऊपर रेन कवर और पहने हुए हैं, तो गर्मी की वजह से और नींद आती है। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलाते हैं, देन उसके बाद में पहनेंगे। यहाँ से हम लोग सागर का प्लान किए थे पहले। ओह ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। अभी फ्यूल रेंज जो दिखा रहा है 54 किलोमीटर्स, और यहाँ पे सोचा था कि पेट्रोल भरवाएंगे बट ये खुला नहीं हुआ है, तो आगे चलेंगे। हलवा हो गया। और अभी यहाँ से हम लोगों का सब्र का इम्तिहान शुरू हो चुका है, क्योंकि रोड में आ चुके हैं टूटे फूटे पैचेस, तो अभी बहुत दिक्कत होता है ये वाली रोड पे। सिंहपुरा जीरकपुर में, नरसिंहपुरा में हम लोगों का प्लान है रुकने का आज, तो वहाँ तक भी रोड ख़राब ही मिलेगा। ओ फक, ये वाले में लग रहा है आग लग गई है, कुछ तो हुआ है, पूरा धुआं धुआं हो रहा है अंदर से। ये वाला जो है स्ट्रेट रोड वो चला जाता है झांसी, और हम लोगों को आउटर रिंग रोड लेके क्रॉस करना है झांसी बेसिकली, और यहाँ पे अपने आगे विनर चिकन डिनर चलते हुए। कितने लोग पबजी खेलते हैं मेरे को बताओ कमेंट में, अभी भी खेलते हैं। वो मुर्गियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं, हरियाणा से आ रही हैं। वाह कोई सी तो रिवर पड़ी है यहाँ पे। हम लोग जब झांसी, हम लोग झांसी और सागर के बीच में हैं, तो कौन सी रिवर पड़ेगी वो आप लोगों को नीचे लिखी हुई मिल जाएगी, बट यहाँ पे रोड बड़ी ख़राब है, बड़ा देख के चलाना पड़ रहा है, तो पूरा ही रोड गया हुआ है। मतलब ये क्या था, ब्रिज में बना देते थोड़ा सा एक बार रोड सही से। तो यहाँ पे पेट्रोल का दाम चल रहा है 98 रुपीस और डीजल 89, ये यूपी है तो ये, हाँ तो यूपी में चल रहा है 98.70। अभी देखते हैं, अपना फ्यूल रेंज तो दिखा रहा था कुछ 138, बाकी फुल करवा लेते हैं एक बार, ताकि जब भी ब्रेक लेंगे तो सारे इकट्ठे ब्रेक लेंगे। कौन सा? हाँ सही बात है। तो ये तो खाली ट्रक ऐसे ही चलेगा तो भी स्लो चलेगा। तो कूलेंट देखो कैसे भर के लगे यार। दोस्तों हम लोग रुके थे अभी थोड़ा सा चाय ब्रेक पे, एक्चुअली बारिश भी हो ही गया था उस टाइम पे, हाँ और साथ में ही था। अरे भाई गड्ढे से पानी उछाल रहे हो, बदला। कैमरा साफ करना पड़ेगा। तो बात ये थी कि हम लोग फ्यूलिंग कराने के लिए रुक गए और बारिश भी हो रही थी, अभी बारिश थोड़ी सी खुल गई है तो अपने को दिक्कत नहीं है, कोई आराम से चल सकते हैं। बस ये एरिया बहुत ज़्यादा गड्ढा है, ये हम लोगों के आसपास में राइट और लेफ्ट दोनों साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेक पड़ी है, क्या मस्त लग रही है। आहा, मतलब बिल्कुल आँखों को कूल वाला फील आ गया है। अरे वो बीच में मछली पकड़ना है, सही है, काफ़ी है, काफ़ी बड़ी लेक है, नाइस। तो जयदीप भाई से हो गया एक मर्डर मक्खी का, जो कि वाइजर के अंदर आके मर गई,
उसके चक्कर में अपने को ब्रेक लेना पड़ गया, 5:32 हो गया और हम लोगों का टाइम फिर से 9:40 के ऊपर दिखा रहा है। कुछ नहीं कर सकते, चलता रहेगा ऐसे ही। बट रोड्स आर बेटर नाउ कंपेयरिंग टू पहले वाली, बहुत ज़्यादा पैचेस थे। आई थिंक ये वाला हम लोग क्रॉस करके गए थे तो अपने को मिला था तब, बट अभी भी ये गाय भैंस अभी भी रोड पे ही है। अभी हम लोग रुके थे यहाँ पे सागर के जस्ट एक बाद में टोल आता है और टाइम हो रहा है 7:35। जो एस्टिमेटेड टाइम हम लोग को दिखा रहा है दैट इज़ 9:21, जहाँ पे हम लोग नरसिंहपुरा पहुँचेंगे। थोड़ा सा चाय वाय ब्रेक ले लिया एंड अभी इसके बाद में निकल रहे हैं हम लोग। चलें, डन। चलो 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 चलो। इतना गाय बैठा हुआ है यहाँ पे, बाप रे। तो ये आगे है रेलवे क्रॉसिंग, भारतीय रेल। मेरे को ट्रेन देखना बड़ा बढ़िया लगता है, मज़ा आ जाता है।